आज हम सब इस सभागार में अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए। अटल जी के जीवन के बारे में, इनके जीवन के प्रसंगों के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई। मुझे मेरे जीवन में अटल जी के साथ बहुत नजदीक से काम करने का मौका नहीं मिला। सिर्फ एक बार वो गांधीनगर में चुनाव लड़े थे, तब मैं इनका चुनाव इंचार्ज रहा। मगर बचपन से अटल जी को देखते रहे, सुनते रहे, और जैसे पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता अटल जी को सुनकर अपने जीवन के रास्ते में कई सारी कठिनाइयों को सुलझाते थे, वो मौका मुझे जरूर मिला। अटल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक अजात शत्रु राजनेता होने के साथ साथ हिंदी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकारों में शुमार हो पाए इस तरह के संवेदनशील कवि थे। स्वभावगत पत्रकार, एक प्रखर वक्ता, देशभक्त राजनेता, जागरूक सांसद और पार्टी को कभी अपने सिद्धांतों से इधर उधर न होने देने वाला पार्टी का नेता था। मैं एक बात को जरूर देश के सामने रखने चाहता हूं, अटल जी जनसंघ के स्थापक सदस्यों में से एक थे। जनसंघ में से आपातकाल के खिलाफ लड़ने के लिए जनता पार्टी बनी, और जब जनता पार्टी बनने के बाद सिद्धांतों का सवाल आया, विचारधारा का सवाल आया, तनिक भर भी देर करे बगैर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करी और भारतीय जनता पार्टी के वो स्थापक सदस्य बने। एक जन्मजात देशभक्त नेता, कई सारे जीवन की घटनाएं, उनकी मक्कमता, उनकी दूरदर्शिता और उनकी देशभक्ति को बताती हैं। न केवल अपनी पार्टी के लोग, बहुत सारे दलित लोगों ने भी इसको एक्नोलेज किया। जब यूएन के अंदर कश्मीर में भारत का पक्ष रखने का समय आया, तब उस वक्त के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से हुआ करते थे, प्रधानमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत का पक्ष रखने के लिए विपक्ष के नेता नाते भेजा। ये बताता है कि अटल जी का व्यक्तित्व किस प्रकार का था। कारगिल को देश का कोई बच्चा भी भूल नहीं सकता। सीमाओं की मर्यादा तोड़े बगैर अटल तरीके से, मक्कमता से पाकिस्तान के करारा जवाब देने की उनकी जो पद्धति थी, वो आज भी लोग याद करते हैं। पोखरण का परमाणु विस्फोट और दुनिया में भारत को अपना स्थान दिलाने के लिए जो गौरव देश के प्रधानमंत्री में होना चाहिए, वो अटल जी में हमेशा झलकता था। बांग्लादेश की लड़ाई को पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर एक राष्ट्रभक्त नेता कैसा स्टैंड ले सकता है, वो स्टैंड भी अटल जी ने बांग्लादेश की लड़ाई के वक्त लिखा। और जब इमरजेंसी आई, काफी लोग इधर उधर हुए, अटल जी अटल रहे। आपातकाल के खिलाफ एक दृढ़ लड़ाई पूरा समय लड़कर इस पर विजय प्राप्त करने वाले प्रखर योद्धाओं में से एक अटल जी थे। मित्रों, आज अटल जी के जाने से न केवल भारतीय जनता पार्टी के मगर देश के सार्वजनिक जीवन में जो रिक्तता खड़ी हुई है, मैं नहीं मानता लंबे समय तक इस रिक्तता को पूर्णा भरना हम सबके लिए संभव होगा। और पूरे देश के सार्वजनिक जीवन को बहुत बड़ी क्षति अटल जी के न रहने से हुई, मगर मैं मानता हूं कि अटल जी के विचारों पर चलने का सभी ने यहां पर इच्छा व्यक्त करी है। मैं भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता वही विचारधारा पर चलेगा, वही विचारधारा के रास्ते पर चलेगा जिस विचारधारा पर अटल जी पूरा जीवन चले। अटल जी ने कभी पार्टियों से पहले देश को नहीं माना था, और वही विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लंबे समय तक देश के
नवनिर्माण के देश के पुनर्निर्माण के आंदोलन में अपने आप को जुड़ा हुआ पाएगा। आज सर्वदलीय सार्वजनिक श्रद्धांजलि सभा प्रार्थना सभा यहां पर भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पर आहूत हुई है। देश की लगभग सभी पार्टियों के नेताओं ने यहां आकर अटल जी के गुणानुवाद में सहभागिता जताई है, उनके प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए आप सभी यहां पर आए हो। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से देश के सभी दलों के नेताओं का और बहुत सारी संस्थाओं जिनके शोक संदेश हमें मिले हैं उनके हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे दुख की घड़ी में आपने हमारे साथ खड़ा रहकर हमें ढाढ़स बधाई है। अटल जी का परिवार, इनके लिए भी एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं अटल जी के परिवार को भी बहुत मन से कहना चाहता हूं कि अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए जो किया है, हमारी पार्टी हमेशा के लिए अटल जी के परिवार की ऋणी रहेगी और प्रभु आपको इतनी शक्ति दे कि इतना बड़ा सदमा सहन करने की आप सब में ढाढ़स बंधी रहे। फिर एक बार देश भर से करोड़ों लोगों ने पत्र द्वारा, संदेश द्वारा, पत्र पत्रिकाओं द्वारा, दूरदर्शन द्वारा, अलग अलग चैनलों के द्वारा अटल जी के प्रति जो संवेदना व्यक्त की है वो सभी का पार्टी की ओर से हृदय से धन्यवाद करकर मैं हमारी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।